हेलो एवरीवन, मैं मुक्ति एंड आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फोर स्किन केयर होम रेमेडीज फॉर विंटर्स। जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं एंड अगर हम बात करें ड्राई स्किन की, माय स्किन इज कॉम्बिनेशन बट हायर ऑन दी ड्राई स्किन, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो आज जो मैं आप सबके साथ चार होम रेमेडीज शेयर कर रही हूँ दैट इज़ ऑल फॉलोड बाई मी। एंड मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ, बताती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ या कर चुकी हूँ या रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, तब मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी को भी गलत या फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि माई YouTube चैनल इज ऑल अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। तो अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, किस टाइप की एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए हैं, चाहे पेट पतला करने के लिए, चाहे ब्रेस्ट साइज कम करने के लिए, चाहे आर्म्स कम करने के लिए, फेस फैट कम करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। एंड मैंने 5 डेज का वर्कआउट एंड डाइट प्लान भी बनाया था, तो आप वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द वीडियो बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड एंड ब्यूटी से रिलेटेड भी वीडियोस बनाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट में येस लिख दें, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप चाहते हैं कि मैं स्किन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। नीचे कमेंट करना मत भूलें। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो गाइज, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक कर दीजिए अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। एंड गाइज, मैं हर मंडे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो मुझे हर मंडे यूट्यूब पे देखना मत भूलें। तो अब आप मेरे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं www.muktigautamfitness.com पे। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मुक्ति गौतम के नाम से। रेगुलर बेसिस पे मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, किन फूड्स को खाने की क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम अब हम शुरू करते हैं स्किन केयर फॉर विंटर्स। तो सबसे पहला है हमारे पास लेमन हनी सॉल्यूशन। तो आपको इसमें करना क्या है, एक चम्मच शहद लेना है और आधा नींबू, तो आपको इसको कटोरी में डालना है, दोनों को मिक्स करना है और इस पैक को अपने फेस पे लगाना है और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखें। उसके बाद आप 15 मिनट के बाद अपने फेस को साफ कर लें। अगर हम बात करते हैं हनी की, देन बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, खाने के तो है ही, बट अगर हम बात करें फेस पे लगाने के, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि अगर आपके फेस पे पिंपल विम्पल हैं तो उसको साफ करने में हेल्प करेगा, आपकी एजिंग को कम करेगा, अगर आपके रिंकल्स हैं तो उसको कम करने में हेल्प करेगा, आपके फेस में मॉइस्चर को बनाए रखेगा, आपकी ग्लोइंग स्किन करेगा। बात करें अगर लेमन की, तो लेमन के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। इट इज़ अ नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट। तो अगर आप ब्लीच नहीं करवाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो और साथ ही साथ फेस पे ब्लीचिंग हो जाए, नेचुरल ब्लीच हो जाए, तो आप लेमन को अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करें। बट अगर आप डायरेक्ट लेमन लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा चुभता है, तो आप हनी में डाल के अपने फेस पे लगाएं, तो यू कैन स्टिल टॉलरेट द लेमन, बट एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है ग्लोइंग स्किन। अगर आप नोटिस करेंगे कि जब आप लेमन को अपने फेस पे लगाना शुरू करेंगे, आपको अपनी स्किन ग्लोइंग लगने लगेगी। एंड कुछ लोग लेमन को अवॉइड करते हैं ये सोच के कि ये खट्टा होता है, तो इससे और भी ज़्यादा आपके फेस पे फ्लेक्स आएंगे, सिकरी होगी और ड्राइनेस होगी, बट ऐसा नहीं है। मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है एंड पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखें, 2 या 3 दिन रेगुलरली आप नींबू और लेमन को अपने फेस पे लगाएं, एंड आई कैन बेट विद इन अ वीक आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। एंड हमारे पास सेकेंड होम रेमेडी है बनाना प्लस हनी। तो इसमें आपको क्या करना है, बनाना का टुकड़ा लेना है, उसको एक चम्मच शहद में डालना है और इसको अच्छे से पीस लें। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी टुकड़ा ना बचे, उसको प्रॉपर आपने पेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद आपको उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इसको भी आपको 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखना है एंड उसके बाद आपको फेस क्लीन कर लेना है। फेस क्लीन करने के बाद, इनफैक्ट कोई भी होम रेमेडी के बाद जब आप अपना फेस क्लीन करते हैं, देन आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जितनी भी ये केयर, स्किन केयर जितनी भी आपके साथ मैं बात शेयर कर रही हूँ, होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, कोशिश कीजिए कि आपको रात को सोने से पहले ये अप्लाई करें, बिकॉज़ जब हम
मॉइस्चराइज स्किन के साथ और हेल्दी स्किन के साथ स्लीप लेते हैं देन उसका हमारे फेस पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। हनी के तो मैं आपको स्किन बेनिफिट्स बता ही चुकी हूँ, बट अगर हम बात करते हैं बनाना की, तो गाइज आप जितना ज़्यादा पका हुआ केला लेंगे उतने ही ज़्यादा उसके स्किन बेनिफिट्स होंगे। अगर जितना ज़्यादा केला गला हुआ होगा, इनफैक्ट अगर वो प्रॉपर ब्लैक हो चुका है, देन वो आपकी स्किन के लिए और भी अच्छा है, आपकी एजिंग के लिए, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए और भी अच्छा है, आपकी स्किन में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, बी के एंड विटामिन ए। थर्ड होम रेमेडी है हनी विद रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। तो आपको क्या करना है, एक चम्मच कच्चे दूध का लेना है और एक चम्मच आपने शहद का लेना है। आपको इसको मिक्स कर लेना है और इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपको इसको अपने फेस पे 10 मिनट के लिए अप्लाई करके रखना है। उसके बाद आपको अपने फेस को पानी से धोना है। एंड अगर हम बात करते हैं रॉ मिल्क की, देन ये हमारे स्किन को अंदर तक डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आप दिन में एक बार भी रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, देन आपके फेस में जो मॉइस्चर है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहेगा। अगर हम बात करें रॉ मिल्क की, देन ये बहुत बढ़िया क्लिंजर है। जैसे कि ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं फेस पे कोई केमिकल अप्लाई करना पसंद नहीं करती हूँ, जबकि मैंने ये लिपस्टिक अभी लगाई है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, इसमें लेड है और भी बहुत ऐसी हार्मफुल चीज़ें हैं, बट लगानी पड़ती है बिकॉज आप मुझे देखना बंद कर देंगे अगर मैंने ये भी नहीं अप्लाई किया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं ज़्यादा मेकअप या कोई भी केमिकल फेस पे लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो आप रॉ मिल्क को यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लिंजर। तो जो विटामिन ए है दूध के अंदर, ये आपके फ्लेक्स को ख़त्म करेगा, आपकी पील्ड जो स्किन है उसको ख़त्म करेगा। विटामिन डी है जो कि आपके फेस पे ग्लो लाएगा और साथ ही साथ अगर आपके पिंपल्स हैं उसको ख़त्म करेगा। इसमें विटामिन B6 है जो कि आपके फेस को मॉइस्चराइज रखेगा। इसमें बायोटिन है जो कि आपकी जो क्रैक्ड स्किन है उसको हील करेगा। और दूध में प्रोटीन भी होता है जो कि आपकी टिश्यू जो इंजरी है उसको रिपेयर करेगा, बॉडी के अंदर भी सेम काम करता है। विटामिन B12 भी है दूध के अंदर जो कि हमारी स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है। नींबू भी हमारे फेस पे एज ए ब्लीच काम करता है। और साथ ही साथ रॉ मिल्क, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने फेस पे कच्चा दूध लगाते हैं, देन इससे आपकी जो स्किन टोन है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपकी जो स्किन है वो लाइट होनी शुरू हो जाएगी। इसमें सेलेनियम भी पाया जाता है जो कि आपको सन डैमेज होने से बचाता है। हमारी फोर्थ होम रेमेडी है ग्लिसरिन, बट ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी ऑयली स्किन है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, देन ग्लिसरिन को अपने फेस पे मत लगाएं, इससे आपके पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं करता है, देन मेरी रिकमेंडेशन है तो आप फेस पे मत इसे अप्लाई करें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप ग्लिसरिन की लेयर अपने फेस पे लगा लें। इसको आप कम से कम 10 मिनट के लिए अपने फेस पे रखें। ग्लिसरिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके मॉइस्चर को बना के रखती है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड बात करें अगर आपके हाथ बहुत रफ हैं या पैर बहुत रफ हैं, देन आप ग्लिसरिन को ज़रूर अप्लाई करें। और मुझे हंसी आ रही है बोलते वक्त, क्योंकि मेरे ऑलरेडी हाथ बहुत ज़्यादा रफ हैं, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है आप सबको ये बोलने का कि अगर आपके हाथ पैर रफ हैं तो आप इसको लगाएं। बट यस, अगर आप सॉफ्ट स्किन चाहते हैं हाथों की और पैरों की भी, तब भी आप ग्लिसरीन अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस के साथ साथ ब्यूटी टिप्स भी आपको दूँ, तो कमेंट करके यस लिखना मत भूलें। एंड दैट्स इट गाइस, एंड कीप लाइकिंग मी एंड माय वीडियोस।